आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला संभल के ब्लॉक संभल के गांव मिर्जापुर ककरौवा पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 40 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 20 किलोमीटर दूर है। 2500 वोट और 8000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान श्रीमती आशिया ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है और भरोसे को टूटने नहीं दिया है। ग्राम प्रधान आशिया और सचिन धीरेंद्र ओखल के द्वारा धीरेंद्र ओलख के द्वारा स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी अच्छा विकास कराया गया है। लॉकडाउन के चलते भी ग्राम प्रधान के द्वारा गरीब परिवारों को खाने पीने व पैसे देकर आर्थिक मदद भी की गई है। इनके विकास कार्य को देखकर ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। वहीं ग्राम प्रधान श्रीमती आशिया का कहना है कि यदि हम दूसरी बार इस गाँव के प्रधान चुने जाते हैं तो हम आगे भी इससे अधिक विकास कराने का हौसला रखते हैं। 4 वर्षों में इन्होंने किस तरह से गांव को सजाया है और क्या समस्याएं अभी भी बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधान पति की जुबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक संभल के मिर्जापुर ककरौवा ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं, किस तरह से लॉकडाउन के चलते यहाँ लोगों की मदद की गई है और क्या प्रतिक्रिया इनकी, आगे भविष्य में योजनाएं इनकी कोशिशें जारी है, इस सब की जानकारी हम यहाँ प्रधान जी से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4-4.5 साल जैसे कि ग्राम प्रधान यहाँ आपकी पत्नी हैं आशिया जी, 4-4.5 साल लगभग पूरे बीत चुके हैं कार्यकाल, अब तक क्या क्या विकास कार्य आपकी ग्राम पंचायत में? लगभग 80 खरंजे कराए गए हैं और सीधी टाइल वाले जी, और 20 खरंजे ईंटों वाले कराए गए हैं और लगभग 5 या 6 नाले बनवाए गए हैं और लगभग 500-550 शौचालय बनवाए गए हैं। ODF तो हो गई, ODF पूरी ग्राम पंचायत हो चुकी है जी। और स्कूलों में सीसी टाइल का कार्य कराया गया है, जो कार्यकल्प के द्वारा कराया गया है, अंतर्गत कराया गया है। और स्कूलों में जो लैट्रिन है उन्हें टाइल लगवा के सबको सजाया। मतलब स्कूल में जो है जो जो कमियां थी या जो परेशानियां थी वो आपने अपने कार्यकाल में पूरी तरह से लगभग दुरुस्त कर दी, कुछ पूर्ण कर ली गई हैं और कुछ पूर्ण करने को और अभी जारी है। वो काम जारी है, हमारा बाउंड्री वाल का काम चल रहा है जी। और उसमें जो है 2 स्कूलों का काम कंप्लीट हो चुका है, 1 स्कूल में हमारे काम चल रहा है जी। आवास मिले हैं लोगों को? आवास मिले हैं, लगभग इंदिरा आवास 36 मिले हैं और प्रधानमंत्री आवास 4 मिले हैं जी। पेंशन वगैरह मिल रही है? पेंशन लगभग 70 या 80 आदमियों को मिल रही है जी। जैसे केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, तो इनका जो लाभ है वो आपके गांव में सभी को मिला है? जो लाभार्थी हैं इसके उन्हें हमने देख के पहले नंबर से आखिरी नंबर तक, क्योंकि सभी उज्ज्वला योजना का लाभ दिलाया है जी। और तुम्हारे की ये जितने भी ये इसमें ये हुआ है ग्राम किसान निधि जी, सम्मान निधि सम्मान निधि में इन्हें लगभग 70% सबको लाभ इसका दिलाया। लॉकडाउन के चलते जो 500 रुपये महिलाओं को दिए जा रहे हैं, हमने उनके घर जाकर कोशिश करी है और उन्हें बैंक तक पहुंचा के उन्हें पूरा लाभ इसका दिलाया गया है। मतलब ये जो लॉकडाउन में अभी जो 500 रुपये प्रति खाता धारक जो महिलाओं को मिले हैं, तो आपके गाँव में भी सभी को लगभग 70-75% औरतों को मिला है जी। जैसे लॉकडाउन में कई परिवारों के सामने बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आई हैं, खाने पीने को लेकर भी और भी कई तरह की समस्याएं आई हैं कि काम सबका बंद रहा है, तो कई गरीब परिवार ऐसे भी होंगे जिन्हें आपकी ग्राम पंचायत में कुछ मतलब जो है मदद की उम्मीद रही हो आपसे, एक गाँव के मुखिया होने के नाते आपका क्या इसमें जो है योगदान रहा, किस तरह से आपने लोगों को? हमारा जो रसद विभाग है उसने हमें महीने में 2 बार गल्ला दिया है और जो गरीब आदमी छूट गए थे उनका हमने कार्ड बनवा के तुरंत हाथों हाथ ऑनलाइन करा के कार्ड बनवा के उन्हें गल्ला दिलाया। और जो लोग छूट रहे हैं, जिनका राशन कार्ड नहीं था उनका राशन कार्ड आपने बनवा के जो है वहाँ पर बनवा के, हाँ बिल्कुल हाथों हाथ बनवा के उन्हें राशन दिलवाया है। और कुछ लोग जो बच गए हैं या किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आई है तो उन्होंने हमने एक समाज सेवा होने के नाते प्रधानमंत्री हो गए, अपनी तरफ से उनके लोगों की मदद की गई है, उन्हें जो है इसके पैकेट दिए गए हैं खाने के राशन के। और मतलब आपके गांव में ये कह सकते हैं कि पूरे लॉकडाउन में कहीं किसी को खाने पीने को लेकर के कोई भी परेशानी सामने नहीं आई होगी आपके रहते? हमारे गाँव में किसी भी आदमी को खाने पीने की कोई समस्या नहीं आई। हमारे यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था जो गोयावर्ड स्कूल में था, उसके रहते हमारे ग्रामवासियों ने जो बाहर से लोग आए थे हाथों हाथ उन्होंने बिल्कुल अपने सीधे संभल जाकर उसमें
जिला अस्पताल पर जाके अपना हाथों हाथ चेकअप कराया और अपने घर क्वारंटीन रहकर कराया। हमारे गोरडावर्ड स्कूल में रहकर क्वारंटीन हुए, इसमें हमने उन लोगों की मदद करी, खाने का इंतजाम करा और उनकी सवारी की व्यवस्था करी। अरे जितने भी लोग यहाँ पर जैसे बाहर से आए हैं और क्वारंटीन में रहे हैं, उनके भी खाने पीने से लेकर के आने जाने तक की आपने जो है सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई है। आने जाने से लेकर उनके किराए खर्च से लेकर खाने पीने से लेकर सब खर्च हमने उनका वहन किया है और किसी भी आदमी को चेकअप से महरूम नहीं रहने दिया बिल्कुल भी। कोई भी आपके आसपास कोरोना पॉजिटिव केस तो नहीं मिला? हमारे गांव में एक भी कोरोना पॉजिटिव अभी तक नहीं मिल पाया है बिल्कुल, क्योंकि उससे बिल्कुल साफ शुद्ध है, कतई कोई बात परेशानी की नहीं। अब इसमें जैसे सरकारी स्कूल के अलावा सरकारी बिल्डिंग में यहाँ बारात घर, पंचायत भवन ये बने हुए हैं ग्राम पंचायत में? पंचायत घर बना हुआ है और सामुदायिक शौचालय बन गया है और साहब आंगनबाड़ी केंद्र या तीन बने हुए हैं, हर स्कूल के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र है और तेजी से आंगनबाड़ी कार्य चल रहा है अभी तक। रमपरा ग्राम के मजरा रमपरा में बन रहा है अभी, बन रहा जी। अस्पताल कितनी दूर है यहाँ से? अस्पताल लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर है सरकारी। तो कोई भी स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र आपकी ग्राम पंचायत में या नजदीक आसपास? कोई नहीं है आसपास में, नहीं है। मैंने 20 किलोमीटर से पहले कोई भी स्वास्थ्य सुविधा सरकार की तरफ से यहाँ आपको नहीं मिल पाएगी? अगर इमरजेंसी में किसी मरीज को हल्की फुल्की छोटी मोटी बीमारी में जरूरत पड़ जाए दवाई की तो वो सुविधा यहाँ 20 किलोमीटर से पहले नहीं है? 20 किलोमीटर संभल से पहले कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। इसके लिए आपने कभी कोशिश की कि जो है कोई भी स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर बनाया जाए या डॉक्टर उसमें बैठे या लोगों की इस परेशानी का को थोड़ा बहुत हल मिल पाए? मैंने लिख के दिया, बार बार प्रस्ताव किया, आग्रह किया है, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। यहाँ पे जल विभाग की तरफ से टंकी का अनुमोदन हो चुका है, उसका काम शुरू होने में कुछ टाइम बाकी है, पूरे लोगों ने प्रस्ताव यह दे दिया है कनेक्शन कराने के लिए। तो अब अपने गांव को और सुंदर और विकसित करने के लिए मैंने कुछ ऐसी समस्याएं यहां आप देखते होंगे गांव के लिए कि अगर सरकार मदद करे तो वो समस्याएं दूर हो, गांव और ज़्यादा विकास करे, कुछ ऐसी मांगे आप सरकार से रखना चाहेंगे? सरकार से हम अपनी मांग रखना चाहेंगे जो सड़क पर रोड है उसे किसी निधि द्वारा बनवाया जाए जो कि काफ़ी बड़ा है, जो गांव में अंदर आने का मेन रास्ता है। हाँ, और जो नाले बनने को रह गए हैं, हमें अगर पैसा मिला तो उन नालों को कंप्लीट करा के गांव को स्वच्छ बनाएंगे। स्वच्छता के अंतर्गत हमने पूरे गांव को स्वच्छ किया है और कोई भी गली गांव के अंदर कच्ची नहीं छोड़ी है बिल्कुल। कितने परिवार अभी यहाँ ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की जरूरत है? लगभग यहाँ पे 60 परिवार ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है। हमारे उसने 59 के जो है रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं, उसमें से जितना सरकार देवे उसे हम लेने के लिए तैयार हैं। 10, 15, 20, 40 जो भी देगी जितने भी हम उनका अपने संतोष करेंगे और आगे जो लोग रह रहे हैं उनकी जो है वो पूरी करेंगे। अब अनलॉक हो चुका है, लॉकडाउन हालांकि जारी है लेकिन अनलॉक हो चुका है और बीमारी भी कंटिन्यू बढ़ रही है, इसके लिए आप अपने ग्रामवासियों से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इसका जो है अनलॉक हो चुका है लेकिन बीमारी का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ है, इसलिए दो मीटर की दूरी बनाए रखें हमारा ये कहना है। और इसकी जो है 1919 की हम जो है वो भी हैं निगरानी समिति के सदस्य हैं कोविड-19 के। आप जो है निगरानी सदस्य आपने बताया, समिति सदस्य हैं आप, तो इसके तहत आपने लोगों को काफी हद तक जागरूक भी किया होगा? बिल्कुल जागरूक किया है जी, अभी तो हमारे गांव में यहाँ कोई किसी तरह का ऐसा तो मतलब सामने नहीं आया कि कहीं उल्लंघन हो रहा हो, कहीं सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा हो या कुछ ऐसा? पूरी तरीके से हमारे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, कोई भी दिया बारात हो रही है तो उसमें जितने आदमी रखे गए हैं कि 20 आदमी साथ में आने 20 ही रहने हैं, नमाज 5 आदमियों पढ़नी है 5 ही पढ़ रहे हैं, सारे ही नियमों का पालन पूरी तरह से बिछा के कोई सवा है 4 आदमियों की 6 आदमियों की तो हमारे 2-2 मीटर की दूरी का वो रखा हुआ है, तो 2 ही मीटर की दूरी पर हर आदमी को बैठना है। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से हमने यहाँ बातचीत की है, बीते 4-4.5 सालों में काफ़ी विकास इनके द्वारा यहाँ करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाले निर्माण, आवास भी कुछ लोगों को यहाँ मिले हैं, स्कूल में सौंदर्यकरण का काम हो भी चुका है और अभी भी कुछ काम जारी है। इसके साथ ही यहाँ लॉकडाउन के चलते भी गरीबों की काफ़ी मदद की गई है, लोगों को जो लोग यहाँ क्वारंटीन रहे हैं या बाहर से आए हैं
उनके रहने खाने तक का खर्च यहाँ पर जो है ग्राम प्रधान द्वारा काफी मदद उस खर्च में लोगों को मिली है। इसके साथ ही अगर समस्याओं की तरफ नजर करें तो कुछ समस्याएं अभी यहाँ बाकी हैं, जैसे बारात घर जो यहाँ पर अभी तक निर्मित नहीं है, और अस्पताल जो सबसे प्रमुख समस्या यहाँ सामने आई है, अस्पताल जो कि 20 किलोमीटर दूर जाकर है, उससे पहले कोई भी स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र आसपास नजदीकी इलाके में भी नहीं है। अगर किसी को छोटी मोटी बीमारी की भी जरूरत पड़ जाती है दवाई लेने की, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग किस हद तक यहाँ परेशान होते होंगे। शफल के साथ नाजी टूटे से आपका नाम बताइए। मेरा नाम आसिया, ग्राम प्रधान मिर्जापुर ककरौआ। तो मिर्जापुर ककरौआ से ग्राम प्रधान हैं आप यहाँ? जी। तो कुछ हमें बताइए कि जो ये काम यहाँ पर हुआ है इतने सालों में, तो किस तरह से आपने सेवा दी है यहाँ? जो पैसा हमारा है हमने सब गरीबों की मदद में, सिर्फ स्टैंड में सब ऐसे लगाया है, हेल्प में, स्कूल ऑफिस में, सब स्पेस में लगा। मतलब जितना पैसा भी सरकार की तरफ से आया है आपने बिल्कुल मतलब जो है निष्पक्ष एकदम गांव की सेवा में लगाया है, जहाँ जहाँ जरूरत है जरूरत पर ही मामा लगाया। जी जी। आगे की आपका जो है क्या मतलब योजना है, अगर सरकार या जनता आपको दोबारा से मौका देती है तो क्या कहना चाहेंगे? फिर भी मौका मिलेगा हमें तो इससे ही ज़्यादा और लोगों की सेवा करनी चाहते हैं, और सेवा ज़्यादा करनी। क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह जी। कहाँ के निवासी हो? ग्राम रामपुरा जट। यहाँ 4.5 साल हो गए हैं ग्राम प्रधान जी के कार्यकाल को। हाँ जी। विकास को लेकर के क्या कहना चाहोगे? बहुत काम करवाया था वहाँ प्रधान जी ने। अच्छा। यहाँ से जाते तो काम भी ना होगा कहीं। अच्छा अच्छा। किस तरह से? बढ़िया जैसा क्या नाम है जो स्कूलों का, खरंजों का, इनका सबका इनके काम होगा। आप सहमत हो इनके कामों से? हाँ बिल्कुल साहब, सहमत है। हाँ हम तो। और कुछ कहना चाहोगे? बस क्या कहना चाहेंगे, जिन्हें हमारे प्रधान जी हैं बढ़िया चल रहे हैं, हमने काम बढ़िया कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? चंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? मिर्जापुर ककरौआ रामपुरा के। जी, यहाँ पे विकास को लेकर के क्या कहना चाहोगे? 4.5 साल हो गए हैं ग्राम प्रधान जी कार्यकाल को। विकास बढ़िया हुआ, शौचालय बने हुए हैं बढ़िया, सड़कें बढ़िया बनी हुई हैं, लाइट लगी हुई है। आप इनके कार्यकाल से खुश हो?